श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश मैंने पहले भी बताया था और फिर से आपको बता रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि अघोरी बहुत गरीब होते हैं अघोरी वो होते हैं जो मसान में रहते हैं जो भीख मांग के खाते हैं एक हद तक सही है क्योंकि कुछ अघोरियों को ये कायदे के हिसाब से बोला जाता है कि वो भिक्षाटन करके खाएँ लेकिन क्या ऐसा है कि अघोर साधना अगर हम करते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं रहता तो जवाब है नहीं इसी के जवाब में मैंने इस श्रृंखला के का पहले पहला वीडियो दिया था जिसमें ओम नमः शिवाय का बीज मंत्र मैंने दिया था आज मैं बताऊंगा कि उस बीज मंत्र में और कौन सा बीज मंत्र लगे ताकि वही मंत्र आपको धन उपार्जन का एक माध्यम दे जनरली होता क्या है कि जो तांत्रिक होते हैं जो आ, ज़्यादा अध्यात्म में रहते हैं उनके पास पैसे की काफ़ी कमी रहती है ठीक है और वो कितना भी तंत्र विद्या पे अपना दिमाग लगाएं लेकिन वो पैसे पे ध्यान नहीं लगा पाते तो अगर आप तांत्रिक विद्या करते हैं और आपको चाहिए कि आपके पास पैसा भी हो तो ये ओम नमः शिवाय मंत्र ही है जो कि आपको धन और यश देगा लेकिन इस मंत्र में एक बीज जो पहले मिसिंग था वो मैंने बताया दूसरा है कि ओम नमः शिवाय में एक बहुत ही जो मार्किक चीज़ जो कि नहीं है वो है मात्र शक्ति देखो आप अगर माया की के लिए साधना कर रहे हो तो माया की साधना तो करनी पड़ेगी अब आप अगर महाकाल की साधना कर रहे हो तो सिर्फ महाकाल की साधना करने से थोड़ी चलेगा महाकाल की साधना करोगे तो भाई ठीक है आपको साधनाएं मिलेंगे आप अघोरी बन सकते हो आप महाघोरी बन सकते हो महातांत्रिक बन सकते हो लेकिन अगर बात माया की होती है तो फिर माँ भगवती ही एक उपाय है ठीक है अब आप लक्ष्मी की साधना बोलो कमला की साधना बोलो जो भी है वो उत्पत्ति तो उसी महाकाल और महाकाली के संयोग से हुआ है जब महाकाली महाकाल के साथ हुई तभी तो ये पूरे ब्रह्मांड का रचना हुआ और जब इस ब्रह्मांड का रचना हुआ उसके बाद माया ने अपना माया पसारा और जो हम आज के डेट में देख रहे हैं जो भी अर्थ है काम है मोक्ष है जितनी धर्म है ये सारी चीज़ें जो है वो माया की फैलाई हुई हैं ठीक है तो विषय है कि हमें माया के अलावा मतलब महादेव के अलावा माया की भी साधना करनी होगी तो ये साधना कैसे करते हैं देखो स्टेजेस होता है जैसे कि आप बचपन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे होंगे ठीक है इसके बाद दूसरा मंत्र आया ओम होंग नमः शिवाय जिसकी साधना मैंने आपको बताई ठीक है अब आपने जब ओम होंग नमः शिवाय मंत्र साध लिया है तभी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं इस मंत्र का मेन उपयोग ये है कि आप अर्थ कमा सके ठीक है तो अर्थ कमाने के लिए इसी ओम नमः शिवाय मंत्र में पहले एक बीज ऐड हुआ ओम होंग नमः शिवाय होंग बीज ऐड हुआ फिर अब ऐड होगा इसमें महामाया का बीज रिम तो जो ओम नमः शिवाय मंत्र है वो पूर्ण रूप से जो मंत्र है वो है ओम ह्रिम होंग नमः शिवाय तो आपने शुरू किया था एक अक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय उसमें बीज हुआ और वो हो गया ओम होंग नमः शिवाय अब उसको पूरा करते हैं तो ये एक पंचाक्षरी मंत्र हो जाता है जिसको हम कहते हैं ओम रिम होंग नमः शिवाय इस मंत्र का सिर्फ जाप मात्र से मतलब अगर 108 माला 108 जाप आप हर रोज करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी धन का ठीक है प्रतिष्ठा का या जो भी चीज़ों कि आप मन में कामना करते हैं महामाया से उसकी कभी कमी नहीं होगी बाकी अध्यात्म देखने के लिए तो महादेव बैठे हुए हैं आपके पास ठीक है तो मंत्र है ओम ह्रीम होंग नम शिवाय ओम ह्रीम होंग नम शिवाय ओम रिम होंग नम शिवाय इस मंत्र का रोज निरंतर 108 जाप करें देखो कोई भी मंत्र को जब एक सवाल आकर आप जब लेते हो ना तो उसका पावर आने लगता है लेकिन ये मंत्र काफ़ी एग्रेसिव है और मोस्ट प्रॉबली पैंतालीस दिन के अंदर आपको असर दिखाने लगेगा इसके अलावा एक और मंत्र मैं आपको बताऊँगा लक्ष्मी का जो कि आपको बहुत ही काम आएगा और आपके आपका जो प्रोफेशन है उसको स्टेबल करेगा आज के लिए इतना ही अभी अब अगर आपको भूत प्रेतों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मेरा लिखा हुआ एक किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उसको आप ख़रीदो एमेज़ॉन और Flipkart पे अवेलेबल है इसके अलावा आप अगर मुझसे बात करके किसी समस्या का समाधान चाहते हो तो कॉल मी फॉर ऐप है आपके प्ले स्टोर पे है एप्पल स्टोर पे है इसको डाउनलोड करके रुद्रनाथ सर्च करो मैं आपको मिल जाऊँगा उस पर आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हो व्हाट्सअप पर मेरा नंबर नाइन है इस पर सिर्फ व्हाट्सअप करना कॉल करोगे तो ब्लॉक कर दूँगा अभी के लिए आप सभी को अलग आदेश, अलग आदेश।